गाइस आई एम राज एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं, उसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइव शूट बॉय सेवन डेड, ठीक है, जो पांच आदमी हैं कोई शूट बॉय, तो ये जो एक लड़के को उन्होंने क्या किया, गोली मार दी, ठीक है। ये कितने साल का था, 7 साल का। शूट समवन डेड इसका मतलब तो गोली मार के हत्या कर देना, तो पांच आदमी ने 7 साल के बच्चे की गोली मार कर हत्या कर दी, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल दिखा रहा है, मगर ये पास्ट है, हो चुका है। इन फ्रंट ऑफ ग्रांड माँ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, ग्रांड माँ जो उनकी दादी, उनके सामने एक जो 7 साल के बच्चे को गोली मार के पांच लोगों ने हत्या कर दी उसकी। इन रिवेंज किलिंग, प्रतिशोध की हत्या में, मतलब कि रिवेंज किलिंग मतलब होता है किसी ने उसका मारा, उसने उसका मार दिया, ठीक है। एक्यूज्ड बाज्ड इंटो, तो जो एक्यूज थे, जो आरोपी थे, बाज इंटो मिस होता है जबरदस्ती किसी के घर घुस जाना फोर्सिवली। एक्यूज बाज्ड इंटो द हाउस, तो वो घर में जबरदस्ती घुस गए। शॉट हेम और उसे गोली मार दी। इन द चेस्ट छाती पर, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, ये भी पास्ट इंडेफिनेट है। फाइव आर्म्ड मैन, ठीक है, आर्म्ड मैन मिस आर्म्ड मिस होता है हथियारबंद, मतलब हथियार से लैस, ठीक है। फाइव आर्म्ड मैन, पाँच हथियारबंद आदमी, बार्ज्ड इंटो अ हाउस, तो उन्हें बार्ज इंटो मिस होता जबरदस्ती घुस जाना, तो किस में घुस गए, इंटो अ हाउस, एक घर में जबरदस्ती घुस गए। इन इटावा डिस्ट्रिक्ट, इटावा जिले में, ठीक है, और इन पांच आदमियों ने क्या किया जो हथियार से लैस थे। शॉट डैड, गोली मार के हत्या कर दी। आ सेवन ईयर ओल्ड बॉय, एक 7 साल के बच्चे की, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ हिज ग्रांड मदर, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिज ग्रांड मदर, उसकी दादी के सामने उसकी 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी, ठीक है। इन अ रिवेंज किलिंग, एक प्रतिशोध की हत्या में, मतलब कि रिवेंज किलिंग थी ये। ही वॉज स्लीपिंग विद हिज ग्रांड मदर, तो वो अपनी, ही वॉज स्लीपिंग, वो पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। ही वॉज स्लीपिंग विद हिज ग्रांड मदर, तो वो अपनी माँ दादी के साथ सो रहा था। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ठीक है। द मैन वोक हिम अप, तो आदमी ने क्या किया, वोक हिम अप, उसे उठाया उस बच्चे को, ठीक है। वेक समवन अप मीन्स उठाना। आस्क्ड हिम टू स्टैंड अप, और उसे कहा टू स्टैंड अप, खड़े होने के लिए। एंड शॉट हिम, और उसे गोली मार दी, ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है। इन द चेस्ट, चेस्ट पर, छाती पर। एट पॉइंट ब्लैंक रेंज, पॉइंट ब्लैंक रेंज में होता है बिल्कुल जो टारगेट को एकदम चिपका कर मारी गोली, ठीक है, मतलब टच हो रहा था टारगेट उससे। द बॉयज फैमिली, तो जो लड़के के जो परिवार वाले हैं, फाइल्ड अ पुलिस की कंप्लेंट, तो उन्होंने क्या किया, एक पुलिस जो कंप्लेंट शिकायत थी दायर की। अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट फाइव मेंबर्स ऑफ देयर नेबर्स फैमिली, तो उनके पड़ोस की जो परिवार वाले हैं, उनके पांच जो सदस्य थे उनके पड़ोसी के परिवार वालों के खिलाफ, ठीक है। हु आर एब्सकॉन्डिंग, जो फरार हैं, ठीक है, हु आर एट लार्ज। लोकल सैड, स्थानीय लोगों ने कहा। द विक्टिम्स अंकल, तो जो पीड़िता के जो अंकल थे, ठीक है, वॉज एलेजली, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा, सुना जा रहा है, इन्वॉल्व, वो शामिल थे। इन द मर्डर, हत्या में, ठीक है, ऑफ अ रिलेटिव ऑफ द एक्यूज्ड मैन, जो आरोपी जो आदमी है उनका किसी एक रिलेटिव की हत्या में जो पीड़िता का अंकल शामिल था, इन्वॉल्व था वो, ठीक है, तो इस करके रिवेंज किलिंग हुई है। एंड हैज़ बीन इन जेल, और वो जेल में है सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, ठीक है। लोकल, लोकल सैड, तो स्थानीय लोगों ने कहा। द विक्टिम्स अंकल, जो पीड़िता के जो अंकल हैं, जो 7 साल के बॉय के जो अंकल हैं, वॉज एलएसडी इन्वॉल्व, कथित तौर पर ऐसा कहा जा रहा है या सुना जा रहा है, वो क्या था, इन्वॉल्व था, वो शामिल था। इन द मर्डर, ठीक है, इन द मर्डर ऑफ अ रिलेटिव, तो एक जो रिलेटिव है जो परिवार वाले हैं, ऑफ द एक्यूज, जो आरोपी जो आदमी था एक्यूज्ड मैन, तो उसके एक परिवार वाले की हत्या में शामिल था वो, उस पीड़िता का अंकल, तो ये रिवेंज किलिंग हुई, ठीक है। हैज़ बीन इन जेल सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से वो क्या था, जेल में था वो, ठीक है, जो अंकल उनका, तो ये रिवेंज किलिंग है, ठीक है। तो मतलब कि पड़ोसियों के किसी, पड़ोसियों किसी रिश्तेदार को मारा, तो उसी पड़ोसी ने उसको, उसके उसके जो भतीजे को मार दिया, ठीक है। द चाइल्ड अंकल, ठीक है, तो जो बच्चे का जो अंकल था नीरज कुमार सैड, उसने कहा। द एक्यूज्ड मैन, जो आरोपी आदमी है, हैड बीन मोलेस्टिंग विमेन, तो वो क्या कर रहे थे, हैड बीन मोलेस्टिंग, वो परेशान कर रहे थे विमेन, औरतों को,
ऑफ आर फैमिली, हमारे परिवार के जो परिवार की जो औरतें थी उन्हें वो मॉलिस्ट कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, पीट मतलब कि टॉर्चर करना एक तरीके से, ठीक है, टीज टीज करना। दे यूज टू फ्लैश प्राइवेट पार्ट्स, ओके, फ्लैश फ्लैश का मतलब ही प्राइवेट पार्ट दिखाना भी होता है, ठीक है। दे यूज टू फ्लैश प्राइवेट पार्ट्स एट वेमेन, तो वो औरतों को क्या करते थे, वो प्राइवेट पार्ट्स दिखाया करते थे, ठीक है। पुलिस वर कॉल्ड 3 डेज एगो, तो पुलिस को बुलाया गया, ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। पुलिस वर कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया 3 डेज एगो, 3 दिन पहले, ठीक है। बट लेकिन दे डिड नॉट टेक एनी एक्शन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, माई सिस्टर इन लॉ, तो जो मेरी साली थी, ठीक है, मैनेज टू क्लिक अ वीडियो, तो उसने जैसे, तो मैनेज टू मिस होता किसी चीज़ में कामयाब हो जाना, ठीक है, मैनेज टू क्लिक अ वीडियो, तो उसने एक वीडियो बना ली, ठीक है, ऑफ द मैन, आदमी की, ठीक है, क्या करते हुए, ट्राइंग टू सेक्सुअली असॉल्ट हर, उसे सेक्सुअली असॉल्ट करते हुए, परेशान करते हुए उसने एक वीडियो बना ली, ठीक है, जो कोशिश कर रहा था आदमी उसे मोलेस्ट करने की, ठीक है। वी अप्रोच्ड द पुलिस, हम पुलिस के पास गए, अप्रोच मीन्स होता है किसी के पास जाना हेल्प के लिए, ठीक है, टू फाइल अ कंप्लेंट, एक शिकायत दायर करने के लिए। बट लेकिन द पुलिस डिड नॉट रजिस्टर एन FIR, तो पुलिस ने क्या किया, FIR दायर नहीं की, रजिस्टर नहीं की, ठीक है। अराउंड मीन्स होता लगभग, 2 AM थर्सडे, गुरुवार की सुबह 2 बजे के करीब, ठीक है। द एक्यूज मैन, तो जो आरोपी जो आदमी थे, राम वर्कश, बबलू, विमलेश, विवेक एंड अवतार सिंह, फोर्सिवली एंटर्ड आर हाउस, फोर्सिवली मिस होता जबरन, ठीक है, तो उसने क्या किया, एंटर्ड आर हाउस, हमारे जबरन हमारे घर में घुस गया, बार्जिन कर लिया उन्होंने, ठीक है, यूजिंग एन इलीगल वीपन, ठीक है, तो जो एक जो गैर कानूनी जो हथियार था उसका प्रयोग करते हुए। दे शॉट डेड माई 7 ईयर ओल्ड नेफ्यू, तो उन्होंने क्या किया, जो आदमियों ने, दे शॉट डेड माई 7 ईयर नेफ्यू, तो मेरे जो 7 साल का जो जो भतीजा था उसे मार दिया। एंड टारगेटेड माई सिस्टर, और मेरी जो बहन है उस पर निशाना साधा उन्होंने, टारगेट किया। हु हैड रिकॉर्डेड द वीडियो, जिसने क्या किया था, रिकॉर्डेड अ वीडियो, जिसने वीडियो बनाई थी, तो उस पर टारगेट मतलब कर लिया। दे टुक अवे हर मोबाइल फ़ोन, टेक अवे मिस होता छीन लेना, ठीक है, स्नैच कर लेना, तो वो उसका फ़ोन ले गया या छीन लिया, ही सैड, उन्होंने कहा। ग्राम प्रधान संधू सिंह, तो जो ग्राम प्रधान है, हेड ऑफ विलेज, सैड, उन्होंने कहा। द फैमिली मेम्बर्स ऑफ बोथ एक्यूज्ड एंड विक्टिम, तो जो परिवार के जो सदस्य थे दोनों आरोपी और पीड़िता के, यूज टू वर्क, काम किया करते थे एज स्क्रैप डीलर्स, ठीक है, कबाड़िए के मतलब कबाड़िए का काम किया करते थे वो इन दिल्ली, दिल्ली में स्क्रैप डीलर्स या जंक डीलर्स, ठीक है। लास्ट सितंबर, पिछली सितंबर को दे हैड अ बिजनेस डिस्प्यूट, तो उनका क्या था, एक व्यवसाय से संबंधित कोई विवाद था। लेटर बाद में, अ फैमिली मेम्बर, एक परिवार के सदस्य, ठीक है, ऑफ द 5 accused men, ठीक है, जो 5 आरोपी हैं उसके एक परिवार के सदस्य ने, वॉज शॉट डेड, उसे मार दिया गया इन इटावा, इटाहा में, ठीक है। द चाइल्ड्स फादर, तो जो बच्चे का जो पिता है, रिंकू, एंड अंकल संजू, हैड बीन बुक्ड फॉर मर्डर, तो उन पे क्या किया गया था, उनका नाम दर्ज किया गया था फॉर मर्डर, हत्या के लिए, तो इस करके इनके बच्चे को मारा है उन्होंने, ठीक है। रिंकू मैनेज टू प्रूव हिज प्रेजेंस इन दिल्ली, तो जो रिंकू था, ठीक है, जो उस बच्चे का पिता था, मैनेज टू, वो जैसे तैसे उसने क्या किया, प्रूव हिज प्रेजेंस, उन्होंने अपनी जो उपस्थिति थी उसे साबित कर दिया इन दिल्ली। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, घटना के समय, तो वो मतलब दिल्ली में थे, ये उन्होंने साबित कर दिया वो लड़के के पिता ने, ठीक है। संजू वॉज अरेस्टेड, संजू को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, एंड सेंड टू जेल, और उसे जेल भेज दिया गया, जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है। द टू फैमिलीज, ये दोनों परिवार, हैड बीन एट लॉगर्स हेड सिंस देन, सिंस देन मिस होता तब से, एट लॉगर्स हेड का मतलब होता है आमने सामने होना, मतलब डिसएग्री होना, या बोलते तलवार खींची हुई है इन दोनों की, ठीक है। तो ये दोनों परिवार वाले क्या थे, आमने सामने थे, मतलब इन दोनों की तलवार खींच गई थी सिंस देन तब से, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, धनंजय कुशवाहा, सैड, उन्होंने कहा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट, एक शिकायत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मिस होता के आधार पर,
एन एफ आई आर वॉज रजिस्टर्ड, एक जो एफ आई आर है उसे दायर किया गया, जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, फाइव पर्सन्स, पांच व्यक्तियों के खिलाफ। द चाइल्ड्स बॉडी, दो जो बच्चे के जो शव है, जो बॉडी है, वॉज सेंट, भेज दिया गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। फॉर द पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है, ऑटोप्सी के लिए। एफर्ट्स आर ऑन, तो जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, चल रही हैं। टू अरेस्ट द एक्यूज, ठीक है, आरोपी को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, जो प्राथमिक जो जांच है, रिवील्ड, वो बताती है, उसने खुलासा किया, दैट की द चाइल्ड वॉज शॉट डेड, तो बच्चे को गोली मारी गई, ये भी पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। फॉर रिवेंज, ठीक है, प्रतिशोध के लिए, ठीक है। सो गाइज, इसमें जो ये टफ वर्ड्स हैं ये मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसे पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।